नमस्कार, आज हम मुलाकात कर रहे हैं श्री निशांत केतु जी से, जो पटना विश्वविद्यालय में करीब 37 वर्ष तक अध्यापन करते रहे हिंदी में। और ये इन्होंने हिंदी के लेक्चरर से रीडर, फिर प्रोफेसर और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, 12 वर्ष तक हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट रहे। इस तरह से इनका अध्यापन का कार्यक्रम रहा। और आज 72 वर्ष की आयु इनकी पूरी हो चुकी है और संस्कृत में इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया है, ग्रंथ रचना की है, करीब 200 ग्रंथ आपके नाम से हैं। और इनके मनपसंद विषय रहे हैं साहित्य, संस्कृति, अध्यात्म और तंत्र शास्त्र, जिसका बहुत महत्व हम मानते हैं। और बड़ी एक आश्चर्य की बात है कि आपने हिमालय में आसाम से भी ऊपर एक परशुराम कुंड है, वहाँ पर एक गुरु से दीक्षित हो करके साधना भी की है, तंत्र में व्यक्तिगत साधना की है। इसके बाद आपको पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे आपको विद्यासागर, जिसका अर्थ होता है डिलीट, ये मानद डिलीट उपाधि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भागलपुर से दी गई है, और साहित्यश्री सम्मान भी दिल्ली से दिया गया है। अभी वर्तमान में आप सुलभ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं और वहाँ से जो पत्रिका निकल रही है चक्रवाक, उसके संपादक हैं। और हमारे रुचि का विषय ये है कि आपकी संस्कृत साहित्य की पढ़ाई वो बहुत उत्तम है और काफ़ी नई बातें आप बता पाएंगे हमारी आज की जनरेशन को, तो आरंभ करते हैं। नमस्कार निशांत केतु जी, हम सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि संस्कृत भाषा, जो कि अपनी आंतरिक शक्ति के कारण आज सदियों से, बल्कि हजारों वर्षों से इसकी परंपरा हमारे देश में चली आ रही है, लेकिन पिछले 100-200 वर्षों में ऐसा लगता है कि इसकी परंपरा काफ़ी अधिक खंडित हुई है और इसमें काफ़ी एक उतार सा आ गया है। और अब पिछले 5-10-15 वर्षों में हम देखते हैं कि ये फिर से इसने अपनी चढ़ाई की तरफ शुरू की है। तो ये इस पड़ाव पे आकर के आप क्या समझते हैं कि संस्कृत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह बहुत ही समसामयिक प्रश्न है और इस पर विचार पुनर्विचार होना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से। मेरी दृष्टि में संस्कृत संस्कार की भाषा है और मनुष्य जहाँ है वहाँ से अगर दिव्यता को प्राप्त करना चाहता है तो संस्कार के बिना नहीं संभव है। और संस्कृत का संपूर्ण वांग्मय संस्कार की भाषा के रूप में है, इसलिए विश्व की इसे हम सर्वोत्तम भाषा मानते हैं। विश्व की शेष भाषाएं उपयोगिता की भाषाएं हैं, जिसमें हमारा काम चलता है दैनंदिन, लेकिन यह काम चलाने के अतिरिक्त अध्यात्म की भाषा है, संस्कार की भी भाषा है, दिव्यता तक आरोहण की भाषा है। अभी आपने देखा होगा 2002 ईस्वी में राष्ट्रसंघ की ओर से गणना हुई थी, उसके आधार पर संसार में अभी 6101 भाषाएं हैं और 400 लिपियां हैं। इन 6101 भाषाओं में संस्कृत को सर्वोत्तम भाषा की संज्ञा दी गई है और भाषा विज्ञानियों ने इसे स्पष्टतापूर्वक स्वीकार किया है। यह हिंदी की या संस्कृत की अपनी अंतः प्रज्ञा और तर्क प्रज्ञा है, अध्यात्म शक्ति है, भाषागत दिव्यता है और एक विस्तरणशीलता है, जिसे हम बृंगनशीलता कहते हैं, एक ऐसी ऊर्जा, शोभा, शक्ति और संपदा सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, रिक्त के रूप में, कि जिसको प्रायः आज हम भुला चुके हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि संस्कृत में अनेक प्रकार से उच्चारण होता है और उच्चारण ही संस्कृत भाषा का मूल है। उच्चारण के माध्यम से ही हम संस्कृत बनते हैं, तो उस उच्चारण को लोगों ने भुला दिया है, चाहे वह पदपाठ हो, स्वरपाठ हो, जटापाठ हो, घनपाठ हो,
इन रूपों में संस्कृत का उच्चारण प्रायः लोग नहीं जानते, और जो जानते हैं वे बहुत ही व्यक्तिगत रूप से कहीं ना कहीं एक दो चार के रूप में। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मुख्य रूप से कि संस्कृत का महत्व इस बात को लेकर भी है कि इसका साहित्य बहुत ही समृद्ध है और विभिन्न पक्षों में जीवन के, चाहे वह राजनीति शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो अथवा अध्यात्म शास्त्र हो, या जीवन के विकास की प्रक्रिया जिसमें हो, इन सभी दृष्टियों से संस्कृत का महत्व है। और संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसमें भाषा की महत्ता या सर्वोत्तमता या उत्तमता इस बात पर निर्भर है कि उसमें कितनी क्रिया शक्ति है, कितने क्रियापद हैं। तो संस्कृत में 3000 क्रियाएं हैं जो संसार की किसी भी भाषा में नहीं है। हिंदी में केवल 700 क्रियाएं हैं। और क्रिया से आपका मतलब क्रियापद, जिसे क्रियापद वर्ब कहते धातु, धातु धातु वर्ब जिसे कहते, वर्ब जिसे कहते हैं आप अंग्रेजी में, जिसे धातु कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो वह जो धातु है, संस्कृत में धातुओं की संख्या 3000 है, और अगर नाम धातुओं को संग्रहित कर लें, जो शक्ति है संज्ञा पदों से, हाँ भाषा की शक्ति है संज्ञा पदों से, वो क्रिया बना लेते हैं, जैसे द्रुम से द्रुमायते, वृक्ष से वृक्षायते, अप्सरा से अप्सरायते, अमृत से अमृतायते इत्यादि, जिसे कि वर्ब्स जिसे कहते हैं, वर्ब जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, तो जिसे हम धातु भी कहते हैं संस्कृत में, क्रिया भी कहते हैं। तो ये जो क्रियाएं हैं, धातुएं हैं संस्कृत में, संसार की सभी भाषाओं में सर्वाधिक है, 3000 धातुएं हैं, 3000 क्रियाएं हैं। और इनके अतिरिक्त यदि अन्य शब्दों का निर्माण करना हो तो हम संज्ञा पदों से धातु का निर्माण कर लेते हैं, क्रियापद का निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम नाम धातु की संज्ञा देते हैं व्याकरण शास्त्र में। उदाहरण के लिए अप्सरा से अप्सरायते, द्रुम से द्रुमायते, वृक्ष से वृक्षायते, अथवा अमृत से अमृतायते, ये इस प्रकार के हजारों हजार क्रियाएं बन सकती हैं, धातुएं बन सकती हैं। यह शक्ति, यह ऊर्जा अन्य भाषाओं में नहीं है। एक दूसरी रेखांकनीय बात मैं कहना चाहता हूँ कि संसार में संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिससे एक धातु से सामान्यतः 120,000 शब्दों को बना सकते हैं। मैंने यह चुनौती स्वीकार की और बनाकर दिखाया, लेकिन इसकी क्षमता, इसकी शक्ति केवल 120,000 एक धातु से बनाने की नहीं है, बल्कि करोड़ों शब्द बनते हैं। यहाँ तक कि एक धातु से 29,70,00,000 शब्दों के बनाने की घोषणा मैंने की है। और इसके कारण हैं, एक धातु को अगर हम 10 लकारों में डालते हैं, 3 वचनों में डालते हैं, 3 लिंगों में डालते हैं, तो और 22 उपसर्गों में डालते हैं, और 500 प्रत्ययों में डालते हैं, तो सबका गुणनफल अगर बनाएंगे आप, तो ये 29,70,00,000 शब्द बनते हैं। संसार की किसी भाषा में ऐसी दक्षता, क्षमता, शक्ति, शोभा और संपदा नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम प्रायः आत्मविस्मृत हो गए हैं संस्कृत के महत्व को लेकर, न इसका उच्चारण जानते हैं, न इसके साहित्य को जानते हैं, न इसके विभिन्न साहित्य प्रयोगों को जानते हैं। तो इसलिए, और यही एक भाषा है जिसमें जैसा हम लिखते हैं वैसा पढ़ते हैं, जैसा पढ़ते हैं वैसा लिखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है संस्कृत में कि संसार की सभी भाषाओं में शब्दकोश, पर्याय कोश, महावरा कोश, वाक्य कोश, विलोम कोश सभी मिल जाते हैं, लेकिन एकाक्षर कोश केवल संस्कृत में है। और 52 एकाक्षर कोशों का मैंने संग्रह किया है, और केवल संस्कृत में ही एकाक्षर, एक एक अक्षर पर एक एक कोश। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसे हम बीजाक्षर कहते हैं। तो बीजाक्षर केवल संस्कृत में है संसार की भाषाओं में, और जिनके माध्यम से मंत्रों की रचना होती है। संसार की सभी भाषाओं में हिम्स मिल जाएंगे, प्रार्थना मिल जाएगी, याचना मिल जाएंगे, स्तोत्र मिल जाएगा, स्तमन मिल जाएगा, स्तुति मिल जाएगी, लेकिन मंत्र नहीं मिलेगा, जिस मंत्र के माध्यम से व्यक्ति ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेता है। ऐसी आध्यात्मिक शक्ति अक्षरों में होती है। महर्षि याज्ञवल्क से गार्गी ने एक बार पूछा था कि ये सब कुछ किससे ओतप्रोत है, तो उन्होंने कहा था कि आकाश से,
फिर उन्होंने कहा था कि आकाश किससे ओतप्रोत है, तो उन्होंने कहा अक्षर से। सृष्टि में जब प्रलय आती है तो प्रलय होने पर आकाश भी मिट जाता है और वह अक्षर में प्रविष्ट हो जाता है। अब तक तो विज्ञान यह कहता रहा है कि आकाश में अक्षर, हमारा अध्यात्म और संस्कृत साहित्य यह कहता है अक्षर में आकाश। महर्षि याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक उपनिषद में इसका विस्तार से उल्लेख किया है गार्गी को उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए। इसलिए अक्षरों में जो स्फोट शक्ति, जो महत्व शक्ति है, जो चिदाकाश और महाकाश से मिलाने की शक्ति है बीजाक्षरों में, वो मंत्र बनते हैं। और मंत्रों की दक्षता और क्षमता केवल संस्कृत में है। जिन सभी बातों को हम भुला चुके हैं, इसका पुनरुज्जीवन चाहिए, उद्धार चाहिए, उजागरण चाहिए, ऐसा मैं अपने लेखन और भाषणों में कहा करता हूँ, निवेदन किया करता हूँ लोगों को।